बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला क्या होता है। तो हम जो रे डायग्राम बनाते हैं कॉनकेव मिरर की, तो उसके हिसाब से हम कोई सा भी केस ले सकते हैं। हमारी इस पिक्चर में हमने बियॉन्ड सी एक ऑब्जेक्ट को लिया हुआ है। ये कॉनकेव मिरर है, दिस साइड इज़ द पॉलिश्ड वन, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस, ये इसका पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी। जो ऑब्जेक्ट का हेड है उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जो ऑब्जेक्ट का फुट है उसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो ए बी इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज एट द डिस्टेंस ऑफ बी पी या पी बी भी आप कह सकते हैं। जो यहाँ से हमने इसके अंदर एक रूल बनाया कि हमने यहाँ पे कहा कि दो किसी भी रूल से हम रे डायग्राम बना देते हैं। जैसे आप येलो इंसिडेंट रे को देख सकते हैं और रिफ्लेक्टेड रे भी उसकी वही है। सो ए से कॉनकेव मिरर पे आके स्ट्राइक करी है एट डी, डी पॉइंट पे वो स्ट्राइक करके और प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है। कोई भी लाइट रे पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी और प्रिंसिपल फोकस से चली जाएगी। दूसरे इसके अंदर आप रेड इंसिडेंट रे से देख रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है कि वो पोल पे आके स्ट्राइक कर रही है, ए से पोल पे आके स्ट्राइक कर रही है और उसी इतनी उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाती है। जहाँ पे ये दोनों इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रेज स्ट्राइक करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया और हमने इसमें इमेज बना दिया। यहाँ पे बी डैश इसका फुट ऑफ द इमेज है एंड ए डैश इज द हेड ऑफ द इमेज। तो ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट। अब इमेज मिरर से कितना दूर है, कितने डिस्टेंस पे है, ये है बी डैश पी। तो इसके अंदर आपको कुछ ट्राइंगल्स नजर आएंगे। हमारे पास पहला ट्राइंगल है ए बी पी, ये ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, और एक ट्राइंगल नजर आएगा आपको ए डैश बी डैश पी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। तो इस ब्लू ट्राइंगल के अंदर हमने क्या किया हुआ, ब्लू ट्राइंगल को हमने, आपको लग रहा है कि ट्राइंगल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और ये ए डैश बी डैश पी, ये येलो कलर से जो ट्राइंगल है ये आपको लग रहा है छोटा है, लेकिन ये सिमिलर है। सिमिलरिटी का मतलब होता है इनके एंगल्स वगैरह जो है वो इक्वल है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ये वाला जो एंगल आपको नज़र आ रहा है येलो ट्रायंगल में और ये वाला, तो ये 90 डिग्री है, जबकि ये वाला ट्रायंगल जो पी पे बन रहा है ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब है ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी पी, वो सिमिलर है, ये सिमिलैरिटी का सिंबल है। ये ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के इक्वल है, ए डैश बी डैश पी के सिमिलर है। ये एक सेट ऑफ ट्राइंगल हो गया। अब हम चल रहे हैं अपने दूसरे सेट ऑफ ट्राइंगल की तरफ। दूसरे सेट ऑफ ट्राइंगल के अंदर हम जब देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा है, दूसरे सेट ऑफ ट्राइंगल के अंदर हमें नज़र आ रहा है डी पी एफ, ये एक ट्राइंगल है, और यहाँ पे दिस इज ए डैश बी डैश एफ। तो इसको हमने रेड से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको हमने ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो रेड और ग्रीन जो ये ट्राइंगल्स हैं ये भी दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ये वाली जो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है ये एक लाइन है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये दो लाइंस जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। सो एट एफ इन दीज ट्राइंगल्स, ये जो एफ पे एंगल बन रहा है वो दोनों इक्वल है, यहाँ पे 90 डिग्री बी डैश पे, और यहाँ पे पी पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। ये कर्व है लेकिन हमने इसको एज्यूम किया हुआ है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे हमने इसको ट्राइंगल सपोज किया है। तो डी पी एफ एक ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल है ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ट्राइंगल डी पी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। तो अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज की बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं एफ से लेकर पी तक का डिस्टेंस
फोकल लेंथ कहलाता है एफ। यहाँ पे हमारे पास बी है, बी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द कॉनकेव मिरर। सो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल पी से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ये है डिस्टेंस, जबकि कैपिटल पी से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज द पोल ऑफ द मिरर। तीसरी एक हमारे पास चीज़ है बी डैश से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल क्यू से। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। अब हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये है प्रिंसिपल फोकस। अब ये हमारे पास है ए डैश बी डैश और ये हमारे पास है ए बी। जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो ए से लेकर बी तक की है। सो ए बी इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लाइट रे पैरेलल आ रही थी, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस और ये वाली इंसिडेंट रे ये हमेशा एक डिस्टेंस पर रहेंगी। जब ये एक डिस्टेंस में तो ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो डी से लेकर बी तक का भी होगा। सो डी पी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए बी और ए बी एच ओ के बराबर है, तो डी पी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू एच ओ। ये जब हमारे पास हो गया तो अब हम इन ट्राइंगल्स को देख लेते हैं। पहले हम ये वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ब्लू और येलो ट्राइंगल नज़र आ रहा है। इस ब्लू और येलो ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेसिस को हम रेशो लेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी परपेंडिकुलर और बेस की रेशो टेन थीटा बनती है, तो दोनों के अंदर एंगल जब इक्वल है तो हम सिमिलर ट्राइंगल को एक दूसरे के इक्वल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है इसका परपेंडिकुलर दैट इज ए बी डिवाइड बाय बी पी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी डिवाइड बाय बी पी उस ब्लू ट्राइंगल में से, और इसमें से देख रहे हैं येलो ट्राइंगल में से, तो हमारे पास मिल रहा है ए डैश बी डैश डिवाइड बाय बी डैश पी। ए बी परपेंडिकुलर, बी पी बेस, ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर इस वाले ट्राइंगल का, बी डैश पी इसका बेस। सो परपेंडिकुलर और बेस दोनों के आ गए। अब हम इसकी वैल्यूज लिख रहे हैं जैसे कि आपको नजर आ रहा है ए बी इज एच ओ डिवाइड बाय बी पी इज स्मॉल पी इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश आपको नजर आ रहा है एच आई डिवाइड बाय बी डैश पी इज इक्वल्स टू क्यू। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और एच ओ को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू ओवर पी इज इक्वल्स टू एच आई ओवर एच ओ। इसको हमने इक्वेशन वन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास दूसरा सेट ऑफ ट्राइंगल जो आपको रेड और ग्रीन से नजर आ रहा है, इसके अंदर ये परपेंडिकुलर ये बेस है। सो दिस इज डी पी दिस इज पी एफ, डी पी परपेंडिकुलर ओवर बेस पी एफ इज इक्वल्स टू इसका परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका बेस क्या है पी बी डैश एफ। सो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय बी डैश एफ, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय बी डैश एफ ये इसका बेस हो गया। सो परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हम इनकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है डी पी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू एच ओ, तो हम इसकी जगह एच ओ लिख देंगे। पी एफ की जगह यहाँ ये पी है ये एफ है, पी एफ की जगह हम लिख देंगे स्मॉल एफ। सो यहाँ तक आ गया ए डैश बी डैश आपको नजर आ रहा है एच आई डिवाइड बाय बी डैश एफ। अब आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बी डैश यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एफ यहाँ तक है। सो ये वाला डिस्टेंस अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है, बी डैश एफ हमारे पास अभी तक डिस्टेंस मौजूद नहीं है। जब आप इस लाइन को देखेंगे बी डैश एफ बी डैश से लेकर पी तक का डिस्टेंस ये है हमारे पास, बी डैश पी तक का डिस्टेंस हमारे पास क्यू कहलाता है। अगर इसमें से पी एफ जो कि एफ के इक्वल है इसको अगर हम रिमूव कर दें, इसको हटा दें, तो इतना बचेगा। सो बी डैश पी दैट इज क्यू में से अगर हम एफ को माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाली लेंथ बच जाएगी।
दिस इज क्यू माइनस एफ. अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे और एच ओ को यहाँ पे आके डिवाइड कर देंगे. q माइनस एफ डिवाइड बाई एफ इज इक्वल्स टू एच आई ओवर एच ओ. इसको हमने इक्वेशन टू से रिप्रेजेंट कर दिया. अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देंगे. एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू दिस वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर टू. तो इसका मतलब है q ओवर p इज इक्वल टू दिस. अब हम क्या करेंगे, q यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, f के पास ले जाके डिवाइड कर देंगे. अब ये जो q f डिनोमिनेटर में, ये इन दोनों के पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, q के भी नीचे आ जाएगा और f के भी नीचे आ जाएगा. अब हम कैंसिल कर रहे हैं, ये वाला माइनस वन ओवर q इधर आके प्लस का हो जाएगा. इस इक्वेशन को अगर हम फ्लिप कर दें, सो द मिरर इक्वेशन इज 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस. रुको जरा, सबर करो. तो कैसे हैं आप लोग? भाई मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यार, इतनी मेहनत करके भाई किताबें पढ़ पढ़ के पूरी एक पॉडकास्ट बनती है जो कि मैं आप लोगों के लिए फिर बनाता हूँ. अब ये जैसे थर में गए थे, ये कितने 1 लाख व्यूज आई है, अमेजोन पेपैल वाली 1.25 लाख, यही एवरेज है, ठीक है ना. मैं अपनी पढ़ रहा है ये किताबें, मैं नहीं बना रहा हूँ भाई. अबे भाई कौम को पैरों पे खड़ा करना है. पीछे इफेक्ट सुन रहे हो, मैंने डाला, मैंने सही है ना, रोस्ट भी कर दिया, पैसे भी कमा लिए हैं. अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 260,000 लाइक्स के लिए. कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना. पैसे नहीं मिलते लेकिन खुशी जरूर मिलती है. और यार चोर बढ़ती रहनी चाहिए, सब्सक्राइब करो यार, वो जो लाल वाला बटन है उस पे सांप बिच्छू केकड़ा मधुमक्खी जो भी पकड़ने का अपने हाथ में गूदा रखते हो ना उसे फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. जो मेरी वीडियोस देखते हैं मैं उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कह रहा, जो मेरी वीडियोस नहीं देखते और उनको देखनी चाहिए ये सारी बातें उनके लिए थी. तो जो मेरी वीडियोस नहीं देखते तो बहुत नवाब आदमी है, तो नवाब आदमी है तो फिर भाई आप इस पे बैठ के इसकी सवार कीजिए. कैसे दिया आपको, है नहीं दिया, अच्छा अल्लाह हाफिज़.